तो न्यू टेक गैजेट हमेशा से आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहा है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे 10 गैजेट जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप आने वाली बरसात में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी 10 गैजेट की इस सीरीज की जहां पर होने वाले हैं एक से बढ़कर एक 10 गैजेट। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आखिरी वाला गैजेट तो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन रहता है इस लिस्ट के नंबर 10 पर। नंबर 10, वॉकिंग पॉट फ्रॉम अंडर द वेदर। दोस्तों अगर आप बरसात में काम पर निकल रहे हो तो नॉर्मली तो हम सभी लोग अम्ब्रेला वगैरह को अपने साथ रखते हैं, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में अम्ब्रेला आपके किसी काम का नहीं रहता। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है जिसमें आप अंदर की तरफ जाकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा छोटा होता है फोल्ड होने पर, और जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये एक छोटे से कैबिनेट का शेप ले लेता है जिसके अंदर आप जाकर आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि ये साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन किसी एक इंसान के लिए बैठने के लिए इसमें जगह एकदम पर्याप्त होती है। यही नहीं, आप चाहें तो इसमें छोटी सी फोल्डेबल चेयर भी डाल सकते हैं जो कि बड़े ही कमाल की रहेगी। तो अगर आप भी अपने पार्क में बैठकर बारिश का मजा लेना चाहते हो बीच पानी में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। वहीं अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हो तो अम्ब्रेला से कहीं ज्यादा बेहतर आपके लिए ये गैजेट रहेगा। नंबर 9, डॉग ब्रेला। दोस्तों हल्की फुल्की बारिश में अगर आप भीगना नहीं चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं अम्ब्रेला का, लेकिन अगर आप उसी समय अपने पेट को लेकर टहलाने निकलते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या उसके लिए भी कोई छाता आप ले जाएंगे जिससे उसे बारिश से बचाया जा सके? तो हो सकता है आपका जवाब ना में हो, लेकिन अगर आप इस अम्ब्रेला को देखेंगे तो आपको वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। दोस्तों ये एक ऐसा अम्ब्रेला होता है जिसे खासतौर पर आपके पेट्स वगैरह के लिए बनाया गया है। ये उल्टी तरफ ओपन होता है और साथ ही आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा हुक लगा मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने पेट की हार्नेस को हुक कर सकते हैं, और जब आप अपने पेट को टहलाने लेकर निकलते हैं तो ये आपके पेट के ठीक ऊपर की तरफ रहता है जिससे कि हल्की फुल्की बारिश में उसे पानी से बचाया जा सकता है। तो अगर आप भी अपने पेट की बहुत ज्यादा कदर करते हो तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। नंबर 8, सील शू कवर। दोस्तों बरसात की एक कॉमन प्रॉब्लम आप सभी को बहुत ज्यादा परेशान करती होगी। अगर आप घर से चमकते हुए जूते पहनकर निकले हैं और रास्ते में बारिश हो जाए तो फिर उनकी हालत देखने लायक होती है, और किसी भी ऑफिस वाले बंदे के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सब चीजों से बचना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग शू कवर को। दोस्तों ये एक ऐसा कवर होता है जो कि एक छोटे से पैकेट के अंदर आता है जिसे कि आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जब आप इन्हें ओपन करके जूतों में पहनते हैं तो आपके पूरे जूते तरीके से कवर हो जाते हैं। ये शू कवर्स पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होते हैं और उनके सरफेस को एकदम फ्लैट बनाया जाता है जिससे कि आपको चलने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और गंदा हो जाने के बाद आप आसानी से इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर धो सकते हैं। ये एक इनका अलग से एडवांटेज हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो कि आप ऑफिस जा रहे हो और आपके पूरे जूते गंदे हो जाएं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि बड़ा ही कमाल का रहेगा। तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, स्टिंक बॉस स्टिंकी शूज। दोस्तों शूज के बिना हो सकता है यहाँ वहाँ जाना पॉसिबल ना हो क्योंकि हम उन्हें हर जगह पहन कर जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर जगह के हम लोग जर्म्स भी अपने साथ अपने घर लाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि वो कितने ज्यादा गंदे होते हैं? नॉर्मली स्पोर्ट्स शूज वगैरह की अगर हम बात करें तो उनको तो हम लोग पानी में डालकर धुल सकते हैं, लेकिन क्या हम उनके बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म कर पाते हैं? तो शायद मेरा जवाब यहाँ पर ना होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस गैजेट की तो दोस्तों ये एक ऐसा शू डिओडोराइजर होता है जो कि आपके शूज को पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री कर देगा। वहीं दोस्तों अगर आपके शूज से स्मेल वगैरह आती है तो वो भी इस गैजेट के साथ रहकर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो हो सकता है दोस्तों ये गैजेट आपको थोड़ा सा अतरंगी सा लगे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शूज, ग्लव्स और कैप जैसी चीजों को भी सैनिटाइज करने में। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, लिमोडो विंडो क्लीनर। दोस्तों अगर आपके घर में काफी ज्यादा कांच वगैरह की खिड़कियां लगी हो तो बरसात के बाद आपने देखा होगा कि उनमें हल्के हल्के स्पॉट आ जाते हैं जिन्हें साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है, और अगर कांच काफी ज्यादा ऊंचाई पर लगा हो तो ऐसी सिचुएशन में तो ये काम और भी ज्यादा टफ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इस काम को थोड़ा सा स्मार्टली करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोटिक गैजेट को जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने काम को करता है। दोस्तों ये एक ऐसा ऑटोमेटेड गैजेट होता है जिसे बस आपको अपनी खिड़कियों पर लगा देना होगा, और जैसे ही आप इसका स्विच ऑन कर देते हैं तो ये आपकी खिड़कियों को खुद ब खुद साफ कर देता है। इसको बनाने में काफी सारे हाईटेक सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये एजेस कॉर्नर्स वगैरह को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और पूरी विंडो को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से साफ करता है जिससे कि काम बहुत ही ज्यादा सफाई से होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इस गैजेट को इस्तेमाल करना तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। रोस्ट लीक डिटेक्टर।
दोस्तों घरों में ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहां पर बरसात के समय लीकेज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चल पाता। तो अगर आप भी इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सेंसर को, जिसे कि आप तो कहीं भी ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां पर पानी आने का खतरा रहता है, तो जैसे ही पानी इसकी सरफेस पर पड़ेगा तो ये फौरन इसका अलार्म बजने लगेगा, जिससे कि आप फौरन लीकेज को लेकर अवेयर हो जाएं। यही नहीं दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल अपने बाथरूम वगैरह में भी कर सकते हैं, जहां पर अगर नल वगैरह की लीकेज का आपको पता लगाना है तो ऐसी सिचुएशन में भी ये आपके काफी ज्यादा काम आता है। लेकिन दोस्तों यही नहीं, इस सेंसर में आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके साथ आपको एक स्मार्ट ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर इस गैजेट की मदद से कहीं भी लीकेज डिटेक्ट होता है तो ये फौरन आपके स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन भी सेंड करेगा, जिससे कि आपको फौरन लीकेज का पता लग जाए। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है और बरसात में तो ये काफी ज्यादा काम भी आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इसे ट्राई करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 4, एपा इंटेम्परल रेनवियर। दोस्तों रेनकोट से काफी हद तक बरसात से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरी तरीके से ओवरकोट में आते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लेयर होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, और साथ ही अगर आप बरसात में उन्हें पहन के जाएंगे तो उसकी बाहरी हिस्से में काफी ज्यादा गीलापन आ जाएगा, जिससे कि वो और भी ज्यादा वेटेड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों से बचना और चाहते हैं एक ऐसा लाइट वेट रेनकोट जो कि कभी गीला ही ना हो, तो शायद ये गैजेट आपके बड़े काम का हो सकता है। दोस्तों इसके सरफेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें पानी की बूंदें अगर इस पर पड़ती भी हैं तो उसका फैब्रिक उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो ड्रॉप्स बाउंस करके फौरन जमीन में गिर जाती हैं। तो इस तरीके की खास मटेरियल से बना होने की वजह से इसमें गीला होने का कोई चक्कर ही नहीं होता। तो अगर आप भी एक ऐसा अतरंगी सा रेनकोट चाहते हैं जिसे पहनने के बाद आपको बारिश छू भी ना पाए, तो ये गैजेट खास इसी काम के लिए आपके लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इसके और भी मजेदार फीचर्स ये रहते हैं कि ये अलग अलग डिजाइन में भी आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेनकोट काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। तो दोस्तों एक लाइक तो इसके लिए जरूर से बनता है। नंबर 3, अंडरकवर बाइक अम्ब्रेला। दोस्तों बरसात में कार वाले के तो काफी ज्यादा मजे होते हैं, क्योंकि उसमें वो आराम से बैठकर कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक बाइसिकल राइडर के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना भीगे आप अपनी बाइसिकल से कहीं भी जा पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अम्ब्रेला को। दोस्तों ये एक ऐसा अतरंगी सा अम्ब्रेला होता है जिसे कि आपको अपने साइकिल के आगे की तरफ लगाना होगा, और ये आपको आगे की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि भीगने का कोई चांस ही नहीं होता। नॉर्मल अगर आप रेनकोट वगैरह पहनते हैं तो उसमें साइकिलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन इस गैजेट की मदद से आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा राइडिंग में। वहीं दोस्तों इसमें एक हेड कवर भी होता है, जिसे कि आप ऊपर की तरफ से लगा सकते हैं, यानी कि बरसात में पूरी प्रोटेक्शन आपको राइडिंग टाइम भी इस गैजेट के साथ मिलती है। तो आपको ये अतरंगी सा गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। टफ TG6 वाटरप्रूफ कैमरा। दोस्तों वैसे तो कैमरास काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, जिन्हें की बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो आपकी सोच में काफी ज्यादा परिवर्तन भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये कैमरा एक ऐसी रफ एंड टफ सिचुएशन के लिए बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल आप कैसे भी करें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक पूरी तरीके से वाटरप्रूफ कैमरा होता है, जिसका इस्तेमाल आप पानी के अंदर भी कर सकते हैं, तो बरसात में तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगा ही। वहीं दोस्तों इसकी बॉडी को भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर ये आपके हाथों से गिर भी जाता है तो इसके लेंस पर या फिर सेंसर वगैरह पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कमाल का गैजेट काफी ज्यादा बेहतरीन तो रहता ही है, साथ ही दोस्तों इसमें वाईफाई फंक्शंस भी दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से इसे कनेक्ट करा सकते हैं। वहीं दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के भी ऑप्शंस इसमें दे रखे होते हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये कैमरा काफी ज्यादा कमाल का लगता है, जिसका इस्तेमाल आप एक्शन वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए भी कर सकेंगे। वहीं दोस्तों इसमें आपको प्रो मोड्स दे रखे होते हैं फोटोग्राफी के लिए, जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से फोटोग्राफर्स के लिए ये बड़ी ही कमाल की चीज हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने उस कमाल के गैजेट के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी इस लिस्ट का टॉप गैजेट। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो इंटरटेनिंग लगी हो तो इसे लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। देखते हैं कौन रहता है हमारे इस वीडियो का नंबर 1 गैजेट। नंबर 1, अम्ब्रेला। दोस्तों अगर आपको कहीं जाना हो और ये बात पता चल जाए कि आज भाई बारिश होगी, तो आप जनरली अपने साथ छाता ले जाना या फिर रेनकोट ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ये बात आपको पता ही नहीं चल पाती। और अगर हम बात करें वेदर फोरकास्ट की मदद से आप ये पता कर सकते हैं, तो दोस्तों वो एक पर्टिकुलर जियो लोकेशन की नहीं होती, बल्कि उस कोऑर्डिनेट पर होने वाली सिचुएशंस की होती है कि वहां पर मौसम कैसा होगा। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा पर्सनल वेदर स्टेशन जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के वेदर को मॉनिटर कर पाएं, तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करता है। दोस्तों वैसे तो ये एक छोटा सा अम्ब्रेला
बड़ा होता है जो कि आपको नोटिफाई करेगा कि आपको उसे अपने साथ ले जाना है या फिर नहीं। लेकिन इसमें एक अंदर की तरफ चिप लगी होती है जो कि ह्यूमिडिटी, विंड और बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करती है और आपको बताती है कि आपके आसपास का मौसम कैसा रहेगा। वहीं दोस्तों ये अपने सर्वर से भी कनेक्ट रहता है जहां से ये वेदर सिचुएशंस उठाता है और आपको अलर्ट देता रहेगा कि आपके आसपास का मौसम कैसा होने वाला है। तो इस तरीके से फौरन आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको अपना छाता साथ ले जाना है या फिर नहीं। तो दोस्तों मुझे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो फटाफट आप भी लाइक कर दीजिएगा और अगर आप दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।